नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है और गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने ही एक 7 वर्षीय किशोरी से ही गलत वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी बीच किशोरी की बड़ी बहन ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद बुजुर्ग उसे छोड़कर वहीं से फरार हो गया है। किशोरी ने भी अपने घर जाकर मामले की जानकारी दी है। इसके बाद नामजद प्राथमिकता दर्ज करवाई है और बताया जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अधेड़ को हिरासत में लिए अंधेर कर दिया है। यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है और आपको बता दें कि सोमवार की सुबह जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय किशोरी अपने घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग विदेश्वर सहनी किशोरी को अमरूद खिलाने के बहाने बहला फुसला कर ले गया है और एकांत जगह पर ले जाकर ही घटना को अंजाम दे रहा था। इसी बीच उसकी बड़ी बहन ने वहां पर पहुंचकर उन्हें देख लिया है, जिसके बाद अधेड़ घबरा गया और मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि रोते हुए किशोरी ने अपने घर जाकर माँ को घटना की जानकारी दी है और उसने भी अपने ससुर और पति को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।